हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत अभी तक हमने पढ़ा था न्यू क्लासिकल एज में रेस्टोरेशन एज को, यानी वो एज जिसमें मोनार्की रिस्टोर हुई, जिस एज को एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जाना जाता है। इसी न्यू क्लासिकल एज का जो सेकंड सेगमेंट है, इसका जो सब कैटेगरी है अगस्टन एज, जिसको एज ऑफ पोप भी कहा जाता है, या एक नाम और इसको हम देते हैं एज ऑफ रीजन, इसको आज हम स्टडी करेंगे। चलिए अब हम स्टडी करते हैं अगस्टन एज को। अगस्टन एज, इसको इसका जो ड्यूरेशन है वो क्या है फ्रेंड, 1700 से लेके और 1745 तक। इस एज का दूसरा नाम हम देते हैं एज ऑफ पोप, क्योंकि एलेक्जेंडर पोप इस एज के एक प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट राइटर रहे हैं। और इसी के साथ साथ इसको एक दूसरा नाम कहा जाता है, वो कहते हैं एज ऑफ रीजन। और रीजन का अर्थ होता है फ्रेंड्स तर्क, एक ये तर्क वाली एज कही जाती है। अब देखिए, बात अगस्टन की हो रही है, तो जो अगस्टन नाम आया है वो कहां से आया, वो एक एम्परर अगस्टस थे, उन्हीं के नाम पर अगस्टन नाम उन्हीं से डेराइव हुआ है, उसी नाउन का एडजेक्टिव है अगस्टन। क्या थे फ्रेंड्स, एम्परर अगस्टस। एम्परर अगस्टस, अगस्टस जो थे, अब एक्चुअल में फ्रेंड्स अगस्टस कब थे, वो 27 BC से लेकर 14 AD तक वो रहे हैं। अब देखिए बहुत पुराना टाइम हो गया, 27 BC और 14 AD, लेकिन इस एज को 1700 से लेकर 1745 वाली को हम अगस्टन एज क्यों कह रहे हैं, क्लियर। एक्चुअल में फ्रेंड्स जो ये अगस्टस एज थी, इस एज के अगर इंपॉर्टेंट ऑथर की बात करें तो विर्जिल थे, विर्जिल का नाम आपने सुना होगा, होरेस थे, होरेस, और इसी के साथ साथ एक और लिटरेरी फिगर थी, और वो थी फ्रेंड्स ओविड। ये तीनों राइटर जो थे वो किस एज में थे, एम्परर अगस्टस की एज के थे। और अब हुआ क्या फ्रेंड्स, हिस्ट्री में एक रिपीटेशन हुआ इस एज में, एज ऑफ पोप में जो राइटिंग्स हैं, जो लिटरेरी फिगर्स हैं वो क्या थी, वो उस एज की तरफ झुक गई। मीन्स जो एम्परर अगस्टस के टाइम में लिखा जाता था उसी को उन्होंने मॉडल बनाया और उसी को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। इसके कारण इस एज का नाम अगस्टस एज, अगस्टन एज पड़ गया। अब इसमें जो लिटरेरी फिगर्स थी, लिटरेरी जो राइटर थे वो कौन कौन थे, अलेक्जेंडर पोप, एडिसन, एडिसन का नाम आपने सुना होगा, स्विफ्ट, यानी जो जोनाथन स्विफ्ट थे वो, गोल्डस्मिथ, स्टील, एडिसन एंड स्टील जो आपके प्रोज राइटर थे उसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है, डैनियल डिफो, क्लियर। अब इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, ये जो राइटर्स थे इन्होंने इमिटेट किया, किसको इमिटेट किया, जो ऊपर वाले ऑथर्स थे, विर्जिल, होरेस एंड ओविड। बात क्लियर हो गई, और इसीलिए इस एज को नाम दे दिया गया अगस्टन एज। इस एज में दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने अपना डोमिनेटिंग शुरू कर दिया। और वो पार्टीज कौन कौन सी थी, उनमें एक पार्टी थी फ्रेंड्स विग और दूसरी थी टोरी। ये दोनों पार्टियां डोमिनेट हो गई, यानी ये उभर गई, डोमिनेटिंग पॉलिटिकल पार्टीज। बात क्लियर है। चलिए अब इस पीरियड में जो लिटरेरी
फिगर्स थी, जो लिटरेरी टूल्स थे वो क्या थे? इसमें देखिए जो सेटायर है और सेटायर के साथ साथ जो हीरोइक कपलेट है उसका बहुत ज्यादा यूज हुआ। क्लियर? सेटायर यानी इस एज का एक बड़ी डिवाइस थी, और डिवाइस से मतलब क्या है, वो करेक्टिव वे में सेटायर किया जाता था। 1744 में जो पोप थे अलेक्जेंडर पोप, वो पोप की डेथ हो जाती है, और 1745 में फ्रेंड्स जो जोनाथन स्विफ्ट थे, स्विफ्ट की डेथ हो जाती है। और इसीलिए इस एज का जो ड्यूरेशन है वो कहां तक है, वो 1700 से लेके 1745 तक माना जाता है। हो सकता है कोई बुक आपको 1744 भी कहती हो, डजेंट मैटर, एक आधा साल हिस्ट्री में इधर उधर चल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रेंड्स इस एज में जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट था, अगर हम बात प्रोज पोएट्री ड्रामा या नॉवेल्स की करें, तो इस एज में एक रैपिड डेवलपमेंट हुआ, और वो किस में हुआ? वो हुआ फ्रेंड्स नॉवल में। क्लियर? नॉवल में क्यों हुआ? क्योंकि नॉवल जो था वो यहाँ इस एज में जो राइटर्स थे उनकी एक पहली पसंद नॉवल यहाँ बन गया, और नॉवल बनने के साथ साथ जो ड्रामा था, ड्रामा का यहाँ एक रैपिड डेक्लाइन यहाँ शुरू हो गया। क्लियर? डेक्लाइन क्यों हुआ, कैसे हुआ, नेक्स्ट जो इसके बाद का जो पीरियड है उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। अब एक्चुअल में फ्रेंड्स जो ड्रामा था टर्न्ड फ्रॉम, अब जो ड्रामा ने भी यहाँ एक घुमाव लिया, एक मोड़ लिया, और वो क्या लिया, पॉलिटिकल सटायर से लेके वो कहाँ पहुंच गया, पॉलिटिकल सटायर से वो मेलो ड्रामा की तरफ टर्न हो गया। यानी पहले पॉलिटिकल सटायर लिखे जाते थे, और अब पॉलिटिकल सटायर किसकी तरफ टर्न हो गए, वो मेलो ड्रामा की तरफ टर्न हो गए। इस एज को कहा जाता है डेवलपमेंट एज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म एंड ट्रेड। यानी जो आपकी पूंजी और व्यापार, पूंजी और व्यापार के विकास की जो एज थी वो एज ऑफ पॉप थी। क्लियर फ्रेंड्स? अब ये जो टर्म है अगस्टस, ये किसने रेफर किया, इसको फर्स्ट टाइम जो यूज किया था फ्रेंड्स वोल्टेयर, एंड वोल्टेयर थे, और वोल्टेयर के साथ साथ एक राइटर और थे, वो थे ऑलिवर गोल्ड स्मिथ, उन्होंने पहली बार इस टर्म को अगस्टस को यूज किया था। क्लियर फ्रेंड्स? यानी वोल्टेयर ने और गोल्ड स्मिथ ने इस टर्म को पहली बार अगस्टस को दिया था। देखिए एज ऑफ पोप के बाद जो एज आती है वो आती है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ ट्रांजिशन, या जिसको एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन भी कहा जाता है। एज ऑफ ट्रांजिशन, सेंसिबिलिटी, और डॉक्टर जॉनसन। और इस एज का जो ड्यूरेशन है वो है 1745 टू 1798। अब देखिए जो इससे पहले एज थी वो एज ऑफ पोप थी, और जो पोप की एज थी उस एज में जो कॉफी हाउस कल्चर थी वो फ्लॉरिश थी। में जगह जगह क्लब होते थे, कॉफी हाउसेस होते थे, उनमें ऑथर बैठते थे और वो वहां राइटिंग करते थे। अगर हम देखें तो उनका ग्राउंड से कोई लेना देना नहीं था, और इवन जो पोप ने तो अपनी एज पे एक सटायर भी किया है कि उस एज की जो लेडीज हैं वो अपने हस्बैंड को कम प्यार करती थी, अपने जो पेट्स हैं पालतू कुत्ते बिल्लियां हैं उनसे वो ज्यादा प्यार करती थी।
चलिए इस एज की अगर बात करें, सेंसिबिलिटी और ट्रांजिशन, इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, सेंसिबिलिटी कहते हैं संवेदनशीलता, क्लियर, संवेदनशीलता। इसको आप एम्पैथी भी कह सकते हैं, यानी किसी की फीलिंग में पार्टिसिपेट करना, किसी की फीलिंग को अपनी फीलिंग समझना। ट्रांजिशन कहते हैं संक्रमण को, और संक्रमण क्यों कही जाती है? देखिए, इसकी इस एज की एक साइड पर तो थी नियोक्लासिकल एज और दूसरी साइड पर थी रोमांटिक एज, क्लियर। और जब एक साइड ये एक साइड वो, इसीलिए इस एज को जो दो इस पे प्रभाव जो था वो दोनों का ही रहा कहीं ना कहीं, और इसलिए इस एज को नाम दे दिया गया ट्रांजिशन यानी संक्रमण काल, क्लियर। एक्चुअल में जो ये एरा था, ये था स्यूडो क्लासिज्म को रोमांटिसिज्म की तरफ चेंज करने का, क्लियर। यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां सबसे पहले निकल के ये आता है कि दिस एज इज द एरा ऑफ चेंज फ्रॉम स्यूडो क्लासिसिज्म टू रोमांटिसिज्म। एक्चुअल में जो स्यूडो क्लासिसिज्म था, जो नियो क्लासिकल एज थी उसको स्यूडो क्लासिक एज भी कही जाती है, तो स्यूडो क्लासिसिज्म था वो किधर की तरफ झुकाव हुआ उसका? रोमांटिसिज्म की तरफ, क्लियर। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो एज है इस एज को हिस्ट्री में प्री रोमांटिक एज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, प्री से मतलब होता है बिफोर, और रोमांटिक एज यानी बिफोर रोमांटिक, क्लियर। तो यू कैन से दिस एज इज ऑल्सो कॉल्ड प्री रोमांटिक एज, प्री रोमांटिक एज। एक नाम और हो गया, यानी ऊपर के तीन नाम तो थे ही, चौथा नाम प्री रोमांटिक एज भी इसका नाम हो गया। ये जो डॉक्टर जॉनसन है, हिस्ट्री में दो लोग रहे हैं जॉनसन के नाम से, एक तो बेन जॉनसन थे, स्पेलिंग में JONSON, वहां एच नहीं था, जो शेक्सपियर के कंटेम्पोरेरी थे, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं और बड़े राइबल नेचर के थे। और दूसरे रहे हैं डॉक्टर जॉनसन, जिनका नाम था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जो एक बहुत बड़े क्रिटिक माने जाते हैं, क्लियर। और एक चीज और थी, क्रिटिक होने के साथ साथ इंग्लिश की जो ऑक्सफर्ड की जो आपकी डिक्शनरी थी, ऑक्सफर्ड डिक्शनरी से पहले अगर कोई डिक्शनरी आई है तो वो डॉक्टर जॉनसन ने डिक्शनरी दी थी, और वही ऑथेंटिक डिक्शनरी मानी जाती थी ऑक्सफर्ड से पहले तक, क्लियर। तो यू कैन से इनका जो जो डिक्शनरी इन्होंने दी, फर्स्ट डिक्शनरी, उसका टाइटल क्या था? अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये फर्स्ट डिक्शनरी थी, और फर्स्ट डिक्शनरी थी किसके द्वारा दी गई? डॉक्टर जॉनसन के द्वारा, क्लियर। फर्स्ट डिक्शनरी और बाई डॉक्टर जॉनसन, क्लियर फ्रेंड्स। चलिए, डॉक्टर जॉनसन ने कंपाइल किया इसको, और बड़ी ऑथेंटिक डिक्शनरी यही मानी जाती थी। इस एज का, जैसे कि मैंने अभी बताया एम्पैथी, इसका जो अगर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो इसमें सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स था इस एज का, वो यही था, द क्वालिटी ऑफ एम्पैथी। क्लियर। और एम्पैथी क्या होता है? किसी की मिजरी को फील करना, फील द मिजरी ऑफ अदर्स, यू कैन से, मीनिंग इसका लिख लीजिए, इसके अलावा अगर इस एज की हम इस एज के जो प्रोमिनेंट ऑथर्स हैं उनकी अगर बात करें, तो इसमें गॉर्ड स्मिथ थे, थॉमस ग्रे थे जो इलेजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड
के लिए जाने जाते हैं, विलियम कॉलिंस थे जो ऑड टू इवनिंग के लिए जाने जाते हैं, विलियम ब्लेक थे, रिचर्डसन थे, हेनरी फील्डिंग थे, होरेस वॉलपोल थे। क्लियर। चलिए मैं इसको इनको भी लिख देता हूं गोल्डस्मिथ, क्योंकि प्रोमिनेंट ऑथर आपको पता होने चाहिए कि इस एज के कौन से थे। थॉमस ग्रे, कॉलिंस, गोल्डस्मिथ, थॉमस ग्रे, कॉलिंस, ब्लेक, रिचर्डसन, रिचर्डसन तो एक क्या प्रोज राइटर थे, हेनरी फील्डिंग बहुत बड़ा नाम आता है इसी एज में, और ये किसके लिए फेमस थे हेनरी फील्डिंग, ये नॉवल राइटिंग के लिए फेमस थे, होरेस वॉलपोल। देखिए ये जो ऑथर्स थे इनमें दो नाम ऐसे हैं जो प्री रोमांटिक पोएट्स कहे जाते हैं, और यू कैन से द प्रेडिसेसर्स ऑफ रोमांटिक एज। और प्रेडिसेसर्स कौन कहे जाते हैं रोमांटिक एज के, थॉमस ग्रे एंड कॉलिंस, इन दोनों को ये माना जाता है कि ये क्या थे, प्री रोमांटिक पोएट थे। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है हु वर द प्री रोमांटिक पोएट्स, तो आपका आंसर होगा थॉमस ग्रे एंड कॉलिंस वर द प्री रोमांटिक पोएट्स। क्लियर फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। एक चीज आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, ये लिटरेचर तो आपकी चल ही रही है, इसके साथ आप अपनी जो वोकैब है उसको कंटिन्यू रखें और जो ग्रामर है उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपकी जो सक्सेस है उसके लिए तीनों का जो बराबर इंगेजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लिटरेचर चल रही है तो बाकी चीजें आप बंद कर दें। वोकैब सबसे जो लर्निंग टफ लर्निंग प्रोसेस होती है वो वोकैब की होती है, उसके लिए मैंने बताया आपको पहली वीडियो में ही कि कैसे तैयार करें, क्या तैयार करें, किस तरह से आपको तैयार करनी है, कहां से तैयार करनी है। क्लियर फ्रेंड्स। और इसी के साथ साथ कुछ सुझाव और आ रहे थे कि पीजीटी की तैयारी के लिए, तो उसके लिए भी मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाने वाला हूं कि पीजीटी को आप कैसे प्रिपेयर करें। उसमें मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे मैंने यूपी में थर्ड रैंक पीजीटी में लाई थी और कब लाई थी, सारी चीजें उसमें रिवील होने वाली हैं। तब तक एंजॉय करते रहिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।